तो हे गाइस, हम लेके आ चुके और एक बढ़िया फ़ोटो एडिटिंग। तो गाइस आप फ़ोटो देख सकते हो कितना बढ़िया है। तो गाइस बिना बात करके हम शुरू कर लेते हैं। तो गाइस पिक्चर में हम अभी जो बैकग्राउंड ले लिए हमने, तो अभी हमें जाना पड़ेगा एड फोटो में और मॉडल का PNG लेना होगा। इसको मैं पहले से एडिट करके रखा हूँ। तो आप लोग अगर वीडियो देख सक मतलब देखना चाहते हो कि कैसे बैकग्राउंड एडिट करना करना है परफेक्ट तरह से, उसका लिंक मैं दे दूँगा। तो अभी मॉडल को मैं उसकी पोजीशन में अच्छी तरह से सेट कर लेता हूँ। तो गाइस हमें इसका अपॉर्चुनिटी कम कर देना है 30 के आसपास। तो उसके बाद मैं बताऊँ, उसके बाद हमें क्या करना है, 8000 सेलेक्ट करना है जो कि लेफ्ट साइड में। इसका हार्डनेस फुल कर देना है एकदम से, और इसको क्या है कि देखो साइड से इतना इरेज कर लेना है। तो गाइस मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा अभी, इसको मैं स्पीड करके इरेज कर लेता हूँ। और मेरा बॉडी का भी थोड़ा थोड़ा चीज़ इरेज करना होगा, तो मैं सब इरेज करके उसके मतलब स्पीड करके इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस हमने इरेज कर लिए, तो हम ऐसे करेंगे अभी राइट। तो उसके बाद गाइस हमें कुछ और PNG ऐड करना होगा। तो उसके लिए मैं ऐड फोटो में गया। उसके बाद ये देखो, इसका मैं 4 PNG ले लूँगा सेम, उसको ऐड कर दूँगा और एक एक करके सबका ब्लेंडिंग मोड चेंज करूँगा। सबका ब्लेंडिंग मोड स्किन करके जो लाइट है उसको मिडिल में हम इसको लगा देंगे। तो गाइस यहाँ पर हुआ क्या है, देखो एक लाइट का वो PNG कहाँ गायब हो गया, मुझे भी पता नहीं यार। देखो बिल्कुल से गायब हो चुका है। उसके लिए फिर से दोबारा ऐड फोटो में जाएंगे और सेम उसका PNG लेंगे और ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, तो आपको पता ही है। सारे के सारे PNG और मॉडल जो कि लगा चुके हैं, हम अभी जाएंगे ड्रॉ टूल में और ऐसे हम कर देंगे फ़ोटो को सेव और हम चलेंगे लाइट रूम में। यहाँ का पिक्चर का ऑल काम हमारा हो चुका है, तो हम अभी चलेंगे पिक्चर में। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं लाइट रूम में, आप लोग देख सकते हो। तो पहले क्या करना है पड़ेगा, देखो सबसे पहले ये जो लाइट वाला PNG इधर पर क्लिक करना है। ओके गाइस, तो फास्ट का एक्सपोजर तो थोड़ा ज़्यादा कर देना है और इसका कंट्रास्ट जो है उसको थोड़ा माइनस रखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं -10, ठीक है। तो उसके बाद हाईलाइट को भी इसका माइनस कर देना है, उसके बाद शेडो को भी माइनस कर देना है 20, ठीक है। उसके बाद वाइटनेस भी माइनस कर देना है 20 के आसपास, इसको मैं 20 भी कर लेता हूँ। उसके बाद ब्लैकनेस जो कि है वो 10 या फिर 12-11 जितना रख सकते हो आप, थोड़ा सा माइनस कर रख देना। उसके बाद हमें जाना पड़ेगा अभी कलर वाले ऑप्शन में, तो उसके नीचे ये कलर में जाएंगे और इसका वाइब्रेंस जो कि फुल कर देंगे। और उसके बाद उसका सैचुरेशन को भी माइनस करना पड़ेगा 15 के आसपास, तो ठीक है 15 ही कर लेता हूँ। इतना हो चुका है, अभी हमें जाने का ऊपर मिक्स में, और मिक्स में जाने के बाद सेकेंड कलर को हमें सिलेक्ट करना है और इसका जो लुमिनेंस है उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, इससे फेस थोड़ा ब्राइट हो जाता है, स्किन के कलर है। तो इतना नहीं करेंगे हम, 31 ठीक है। अभी इसका क्या करना है, सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस कर देंगे हम। ओके, तो हम फर्स्ट कलर सेलेक्ट करना है, उसका ल्यूमिनेंस जो फुल कर देना है 97, ठीक है। तो इसका क्या होगा, देखो लिप्स जो है वो पहले डार्क था, उससे अब हमें थोड़ा ब्राइटनेस देखा है। उसके बाद ब्लू कलर सेलेक्ट करना है, इसका वो माइनस मतलब -20 के आसपास रखना है और इसका सैचुरेशन को भी 35, ठीक है। और इसका लुमिनेंस थोड़ा सा माइनस कर देना है हमें, और बाकी जो कलर दिखाई दे रहा है सब कलर सिलेक्ट करने के बाद इसका सैचुरेशन माइनस कर देना, ताकि अगर आपका शर्ट का कलर अलग है तो आप कुछ और ही रख सकते हो। इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा कि क्या रखना, अभी क्या आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्लियरिटी को ज़्यादा कर देना है और विग्नेट को कम कर देना है। उसके बाद शार्पनिंग को ज़्यादा,
शार्पनिंग ज़्यादा करेंगे तो देखो गाइस फोटो जूम करेंगे तो उतना मतलब उसका क्लियरिटी सही रहेगा। उसके बाद नॉइस रिडक्शन को हम 40 के आसपास रखेंगे, उसके बाद कलर नॉइस रिडक्शन को हम फुल कर देंगे 95, इससे बैकग्राउंड के नॉइज़ जो है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो आप गाइस अभी फ़ोटो देख सकते हो अभी, तो गाइस एक बार बिफोर आफ्टर आप लोगों को दिखा देता हूँ ये क्या हो गया। ओके, मैंने बैकग्राउंड गलती से यहाँ पर ले लिया था, वही आ गया साइड से। तो आप लोगों को मैं पहले रुको, इसका जो फेस का ब्राइट है वो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, इसको मैं ज़्यादा कर लेता हूँ। ओके, इतना नहीं, हाँ ठीक है। उसके बाद लाइट में जाने के बाद एक से थोड़ा ज़्यादा कर देंगे 60, ठीक है। ओके, तो गाइस आप लोग बिफोर आफ्टर देख सकते हो, ये देखो मेरा बिफोर पिक्चर में कैसा था और ये रहा आफ्टर। तो गाइस वीडियो लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस चलिए, बाय बाय।